चालू करते हैं। जो है मेरा फोन जो है पहले भी प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क की, तो मैंने उस वजह से ये रिपेयरिंग किया था, मगर आज मैंने जो फेंक दिया था फोन तो टूट गया था, तो अब फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे भी हम ठीक करेंगे, दिखाएंगे आपके लिए। वीडियो बने रहा है, इस वजह से हम फोन को पहले खोल लेते हैं। ये फोन के ऊपर है नेटवर्क आईसी बोलते थे, यानी जैसे टीवी होती है, यानी टीवी पर छत के ऊपर छतरी लगी होती है, उस वजह से नेटवर्क आते हैं उसमें। इसमें फोन में इस वजह से नेटवर्क आते हैं, तो इसे हम खोल लेते हैं। भाई प्रॉब्लम ऐसे भी आ जाती है, ऐसे मान लो आपकी जो यहाँ पे पत्ती होती है ये वाली पत्ती उखड़ जाए या टूट जाए ये वाली पत्ती, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने इसे जो है यहाँ की टूट गई थी मेरी, तो मैंने सही किया, तो कुछ यानी ठीक करके नहीं लगा था, तो उसमें मैंने ऊपर से एलपी डाल दी थी तो वो ठीक हो गया था। अब यानी फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर देखते हैं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। वीडियो बने रहे, आपको दिखाने वाले, इस वजह फोन हम खोलते हैं। भाई मेरे पास जो है स्क्रू तो है नहीं, तो मैंने एक जुगाड़ से ये स्क्रू बनाया था, छोटी सी पतला सा तार लिया था और जो पैन में मैंने अंदर कर लिया, ये घिस के मैंने स्क्रू बनाया, बहुत टॉप चलता है स्क्रू ये। और हम चलिए फोन को खोलते हैं, लेते हैं हम। फोन खोलने का सिंपल तरीका, चलिए दोस्तों मैं हमने फोन जो है खोल लिया, अब इसको हटाते हैं हम। भाई प्रॉब्लम दो जगह से आती है, पहले तो आती है, अब दिखाते हैं, ये नेटवर्क की पत्तियां, अगर ये पत्तियां मुड़ जाती हैं या टेढ़ी हो जाती हैं तो आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क की जो प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद में दिखाते हैं इस पे जो अपने, तो अगर इन पे जो कार्बन आ जाती है तो आपके फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। अब इसे हम करते हैं, चलिए दोस्तों इसकी पत्तियां इन्हें हम धलगा लग लेते हैं, कार्बन आई थी और जो हमारी पत्तियां है ना वो भी हल्की टेढ़ी पड़ गई थी, तो मैंने अभी सीधी कर लेते हैं। फ्रॉम नेटवर्क की भाई ज्यादातर प्रॉब्लम यहीं से आती है, जो पत्तियां हैं जो हमने सीधी कर ली है। और बहुत से फ्रेंड भाई ये भी कहते हैं कि हमारे फोन में जो है हम नेट चलाते हैं तो उसमें रेंज भी नहीं आती है, बहुत कम रेंज आती है, तो भाई वो आती है इससे, ये नेटवर्क की पत्तियां इसे आप घिस लो, इससे आती है वो, ये इसे घिस लो तो हो जाती है। तो दोस्तों हमने जो दोनों काम कर लिए हैं, अब इस फोन को सेट करते हैं दोबारा से। हमने इसकी पत्ती घिस ली थी और इसकी भी घिस ली, देखिए आपके लिए घिसी हुई दिख रही होंगी, तो हमने घिस ली, इसके भी घिस ली और ये भी हमने कर लिया। तो भाई बहुत सिंपल तरीका है, चलिए ऐसे सेट करते हैं, तो उसके बाद में फोन ऑन करके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों हमने फोन सेट कर लिया, आप इसमें डालते हैं बैटरी, देखते हैं ऑन होगा या नहीं, क्योंकि बैटरी देखिए तो मुझे कागज लगाना पड़ता। चलिए दोस्तों हमने जो है बैटरी भी डाल ली है, फोन करते हैं ऑन। भाई फोन ऑन हो गया है और देखते हैं नेट की प्रॉब्लम, इसमें ये बटन था ना मैंने फेंका था, निकल के भाग गया बटन जो ऑल करेंगे।
फोन करते हैं फोन के लिए। चलिए दोस्तों फोन हमारा ऑन हो चुका है भाई। बहुत से भाई कहते हैं बैटरी भी चलती है ऐसे, नेटवर्क की जो है बैटरी चार्जिंग की तरह चलती रहती है। वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो जो है अभी देखते हैं हमारे फोन में नेटवर्क आए या नहीं आए। देखिए भाई हमारे फोन में अब फिर से, देखिए फ्रेंड हमारे फोन में जो है नेटवर्क अब पूरे आने लगे हैं, और ऐसे चलता है क्योंकि अभी मैं अंधा हूँ इस वजह से कमाना नेटवर्क अब पूरे आने लगे हैं। पहले तो भाई बहुत कम चलती थी। नेटवर्क पूरे आ रही है, देखिए बहुत धमाकेदार नेटवर्क चल रहे हैं। अगर फ्रेंड जो आपका वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, और जो हमारा फोन चालू हो चुका है तो नेट भी बहुत बढ़िया चलाता है, क्योंकि मैं देखिए गाना चला के दिखा, गाना भी चल चुका है यानी बहुत बढ़िया चलता है, सिंपल तरीका है और मैंने आपके लिए बता ही दिया। आप भी अपने घर पर भी फोन रिपेयरिंग कर सकते हो। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।